हेलो और वेलकम गाइस बैक टू द अनदर व्लॉग। दो दिन हो गया व्लॉग नहीं आया हुआ, क्योंकि कल मैं काफ़ी इमोशनल में था, क्योंकि मेरा घर से कोई हमें चोर के चला चुका है। जो एक डॉगी है मेरा छोटा सा, मैंने बहुत छोटा से पाला था उसको, तो 5-6 महीने हो गया हमारे साथ ठीक ठाक से रहा। उसके बाद उस दिन अचानक से बीमार पड़ के फिर तो क्या बोलेगा, शी पास अवे। एंड या तो कल इसलिए वीडियो बनाने का मन भी नहीं किया मेरा। एंड आज मैं आया हूँ यहाँ पे, ये टूरिस्ट प्लेस है वैसे तो, बाहर से जब लोग आते तो यहाँ पे ठहरते, तो यहाँ पे घर है वहाँ पे है, एंड वहाँ पे नदी है पूरा, और वहाँ पे पूरा खेत है। वहाँ में वैसे कुछ प्लान नहीं था यहाँ आने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आ गया यहाँ पे। वो भाई दिख रहा होगा, तो वो घर आया था आज, उसके बाद बोला कि चल भैया वहाँ पे कहीं वीडियो बनाने चलते हैं। तो उसका भी यूट्यूब चैनल है, तो आप लोग उसको भी सपोर्ट करना, लार लोंडा बोल के, मैं दे दूंगा लिंक आपको। एंड पता नहीं यार मैं अभी क्या वीडियो बनाएगा क्या करेगा, लेकिन चलो यार फिर भी अपन देखते हैं यार। मैं माँ कसम क्या गर्म है यार। ये टूरिस्ट प्लेस कुछ इस तरह से दिखता है। अभी पूरा घास फूस हो गया यहाँ पे, तो साफ सफाई भी नहीं हुआ, और पूरा खिड़की भी टूटा हुआ है। तो शायद मुझे लगता है बहुत देर हो गया है, मतलब काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे टूरिस्ट नहीं आया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे पूरा खिड़की पूरा फूटा हुआ है, दिख रहा होगा शायद खिड़की पूरा फूटा हुआ है। ईटानगर जाने का प्लान था, तो कुछ काम हो गया इसलिए मैं जा नहीं पाया, मैंने कैंसिल कर दिया। तो अपन कल जाएंगे फिर ईटानगर, और वहाँ का भी अच्छा अच्छा व्लॉग्स आएगा। या ऑफकोर्स धीरे धीरे सब्सक्राइबर भी बढ़ रहा है, तो मैं काफ़ी खुश हूँ, आपको दिल से थैंक यू सबको। एंड अब लोग ऐसे ही सपोर्ट करो, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये देखो यार काफ़ी ब्यूटीफुल है ये सब चीज़, मज़ा आता है देखने में। तो ये रोड कुछ इस तरह से दिखता है, अपन वहाँ से आते हैं ऊपर से, तो ये यहाँ कुछ इस तरह से दिख रहा है। काफ़ी टाइम से मैं सेप्पा में तो रहता हूँ अरुणाचल पे, लेकिन ये जगह मेरा 41st time मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, क्योंकि मैं कभी यहाँ पे आया नहीं हूँ। तो इन्हें बोला कि एक जगह ले चलूँगा कि आपने कभी गया है कि नहीं गया देख लेना, तो मैं होगा चल चलते हैं फिर। तो यहाँ पे आ गया तो काफ़ी मज़ा आ रहा है वैसे यहाँ में आके। ऑल थैंक्स टू हिम, थैंक यू सो मच यहाँ में लाने के लिए, मैं काफ़ी खुश हूँ। एंड या ऑफ कोर्स पता नहीं क्या करेंगे यहाँ पे, तो वहाँ पे कुछ लोग शायद फिशिंग कर रहे हैं, वहाँ में पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख, ये देखो फिशिंग कर रहे हैं। और पानी काफ़ी तेज़ है, मुझे नहीं लगता कि मैं नहा पाऊँगा, काफ़ी शर्म की बात है यार, ये तो एक जवान लड़का तैरना नहीं आता। ये देख टूरिस्ट प्लेस क्या हाल हो गया है, पूरा गंदगी मच गया है यहाँ में। यहाँ पे देख खिड़की पूरा फूटा हुआ है, यहाँ पे आग लकड़ी है। गाइस सेप्पा के सबसे खूबसूरत तो नहीं, लेकिन यहाँ के सबसे और बहुत अमेजिंग ये प्लेस है, मैं आपको दिखाऊंगा एक चीज, है ना, आप लोग देखना जरूर। पता नहीं भूत को मिलने आता है या भूत भगाने आता है, ये देख कुछ इस तरह से, आपने फिल्मों में बहुत काफी बार देखा होगा ये चीज। निभी निभा लो यहाँ पे आता है, यहाँ पे अपने हाथ छाप के जाते हैं, एंड ये अंदर जाएगा तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे एक ड्रॉइंग बना हुआ है, एंड कुछ पता नहीं, एंड पता नहीं किसका दिल टूट गया है, दिल टूटा हुआ है ये बना के रखा है। एंड यहाँ पे काफी गंदी आ रही है, इसलिए मैंने ये ढक के रखा हुआ है अपने नाम। एंड पता नहीं ये क्या है भाई, ये सब काम मत करो यार, ये टूरिस्ट प्लेस है यार, अपना कोई ब्लैक बोर्ड नहीं है ना। यहाँ पे पितर लिखा हुआ है, पता नहीं ये भोसड़ी वाला कौन है पितर, क्या है तानी TAN तानी लिखा है क्या तानी, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे। एंड यहाँ पे कुछ इस तरह है, ये देखो अपना टाइम इज कमिंग, व्हाट द नेसेसरी मैन, मुझे लगता है कि आज मेरे को इंग्लिश मेकर तरह बनना पड़ेगा लग रहा है। एंड आई शो समथिंग हियर, ये क्या लिखा है, मुझे लगता है ये वॉल लिखने के लिए क्या होगा, WOLRD, इसलिए बोलता है पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो भैया। वॉल किंग क्या है, टेकन बाय वॉल बैंड का लोटा, पता नहीं क्या लिखा है। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं कुछ गपा गप भी होता होगा। एंड पता नहीं देखे तो लग रहा है, अब लोग प्लीज ऐसा काम मत करिए कहीं बाहर जाएगा तो, क्योंकि ये बहुत गलत है, क्योंकि बाहर से जब लोग आते हैं देखने में उन लोगों को भी काफी
अच्छा नहीं लगेगा और हम लोग को भी बहुत शर्म महसूस होगा, तो ऐसे मत करो। तो काफ़ी देर से यहाँ में रेस्ट कर रहा था क्योंकि यहाँ में थोड़ा सा छा हुआ है यहाँ में, एंड अभी आप नहाने के लिए जाएंगे। एंड लोकेशन देखो गाइस, काफ़ी मस्त है यहाँ पे, रील्स वील्स बनाने का ना कसम से मज़ा ही आ जाएगा यहाँ में। तो ये हमारा एक छोटा सा और एक यूट्यूबर सर, इस कमिंग का हम सेप्पा का अभी नंबर वन बनेगा ये। शर्म लग रहा है ऐसे देखो मैं गाइस, मेहनत करने से सब कुछ होगा, भले एक दो साल लग जाएगा लेकिन आई होप, मुझे पता है ये सेप्पा का फास्ट नंबर वन यूट्यूबर ब्लॉगर बनेगा ये ब्लॉगर। तो गाइस सब बोलते हैं अपना पे भरोसा है कि नहीं है? अपना में तो भरोसा है गाइस, आप लोग सपोर्ट की जरूरी है, अपना ही भाई है, अपना भाई को थोड़ा प्यार करो, प्यार दिखाओ, सब्सक्राइब कर दीजिए, इसको भी सपोर्ट कीजिए ये भैया को। थैंक यू। और हम दोनों को सपोर्ट करो ताकि हम दोनों यूट्यूब लाइफ में आगे बढ़ सके, ब्लॉगर अच्छा से अच्छा बना पाए। पानी बहुत गहरा है, उसके बाद काफी तेज इसका वो लहर है, तो आप लोग के लिए मैं रिस्क लूंगा और यहाँ पे अभी मैं कूदने वाला हूँ। पानी घुस गया, पानी घुस गया मुंह के अंदर पूरा। क्या कर रहे हैं आप? इतना गर्म है यहाँ में, लेट रहा है, ऐसे मजा लग रहा है। दिन को कोई सोते है क्या? दिन को कोई सोते है क्या? ऐसा मुझे बता रहा है, इतना तेज धूप में ना यहाँ सोने में अलग ही मजा लग रहा है, किनर में पानी भी आ रहा है, आराम से सो रहे हैं मछली का जैसे। गाइस मुझे तैरना आता है, मैंने आपको झूठ बोला था, ये देखो। ये देखो हाथ में, हाथ छिल गया पूरा, ये देखो हाथ धो के पूरा हो गया यहाँ से। एंड अभी तो फिलहाल यहाँ पे कुछ है नहीं करने के लिए, अभी तो यहाँ से निकलेंगे सीधा घर भी जाएगा, एंड और कुछ काम भी है मेरे को वैसे भी आज, इतने घर जा रहा हूँ तो मुझे एटीएम भी जाना पड़ेगा आज। तो सपनों में रोज आए आज जिंदगी में आना सनम। तो गाइस गाना कैसा लगा आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, तो नेक्स्ट ब्लॉग में वापस से मैं इसको गाने दूंगा फिर से, मजा आ रहा है। लेकिन ये जगह जो मेरा ब्लॉग हो गया प्रस्तुत, हमारा हो गया, हो गया, हो गया, और वो रास्ता में थोड़ा सा बनाना, वापिस से यही रोड से फिर जा रहे हैं हम लोग, यही से आया था। ये धूप तो रुकने का नाम भी नहीं लेते, ये पता नहीं किसका गाड़ी यहाँ में खड़ा करके रख दिया, ये स्कूटी से आया था हम दोनों। आई होप सो कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना जो जो नए यहाँ पे। तो ये भी आ गया एंडिंग के समय में, क्या बोलेगा? कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा, लाइक मारो, कमेंट्स करो, दोस्तों के साथ में शेयर करो, कर देना गाइस। और नेक्स्ट ब्लॉग के लिए आपको मिलता है, तब तक के लिए बाय बाय।